नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजूम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। राधा रानी पर हाल ही में विवादित बयान देने के बाद चर्चाओं में आए पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार विरोध झेल रहे हैं। अब कानपुर के वकील मनोज कुमार दीक्षित ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करवाया है। वकील मनोज दीक्षित ने कहा कि उनका बयान हिंदुओं की आस्था का अपमान है। कथावाचक पर धारा 153A, 295, 298 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिस पर कानपुर कोर्ट में 26 जून को सुनवाई होगी। क्या जो है संदेश जा रहा है, करोड़ों भक्तों के हृदय को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। हमारा मन व्यथित हुआ। मैं राधा रानी का परम भक्त हूं। मैंने इनके विरुद्ध कल न्यायालय में परिवाद अंतर्गत धारा 153A, 295, 298 आईपीसी के तहत दाखिल किया और न्यायालय से मांग की कि इनको तलब करके इनको दंडित किया जाए। जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में याचिका स्वीकार की है। प्रारंभिक तौर पर मामले की सुनवाई होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में एनटीए, एनएमसी और प्रदेश सरकार को पक्षकार बनाया गया है। नीट परीक्षा की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। नीट की परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की गई है। जबलपुर की छात्रा ने याचिका लगाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में याचिका को स्वीकार कर लिया है। एक छात्रा की ओर से याचिका लगाई गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में, जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इसमें एनटीए, एनएमसी और प्रदेश सरकार को पक्षकार बनाया गया है। तो नीट परीक्षा की हाई लेवल जांच की मांग को लेकर एक छात्रा ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग है। इसके अलावा भी कई मांग जो छात्रा की ओर से की गई है। याचिका में एनटीए, एनएमसी और प्रदेश सरकार को पक्षकार बनाया गया है। नीट परीक्षा की हाई लेवल जांच की जाए, नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए, जबलपुर की छात्रा की ओर से याचिका लगाई गई है। याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। रिक्वेस्ट की हैं, जो दो प्रेयर की हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये की हैं कि एक तो पूरा नीट रीटेस्ट होना चाहिए और दूसरा हाई लेवल इंक्वायरी करानी चाहिए और इनके रिकॉर्ड्स तुरंत सीज कर लेने चाहिए कोर्ट के द्वारा। उसका कारण ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक कवर अप करने के लिए 1563 बच्चों की कुर्बानी देने की कोशिश की है, जो सरकार ने जिस हिसाब से कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मान लिया कि 1563 बच्चे जो हैं उनको तो हम ये मानते हैं, पर पहला मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ 1563 बच्चे कैसे बोल सकते हो? इसमें हो सकता है 200 टाइम्स मोर बच्चे हों, क्योंकि आपने खुद होके कभी नहीं इसको एडमिट किया। आज जब कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा, तब पहली बार सरकार की तरफ से, मतलब एनटीए की तरफ से ये रिप्लाई आया। अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने कमलेश शाह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने दावा किया कि 13 जुलाई को अमरवाड़ा में बीजेपी का कमल खिलेगा, तो वहीं कांग्रेस ने तंज किया है, कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है। कमलेश शाह को मुकेश नायक ने कांग्रेस से भागा हुआ करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कमलेश शाह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। लगातार 3 बार वे विधायक रहे हैं, बड़े अंतर के साथ जीते हैं। अभी भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। 10 जुलाई को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। लोकसभा हमने बरसों बाद छिंदवाड़ा जीती है। छिंदवाड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव में हम सारी सीटें हार गए थे, लेकिन एक शुरुआत होगी, अमरवाड़ा से कमल खिलेगा और 13 जुलाई को उसके परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक और साथी की वृद्धि इस चुनाव के परिणाम के बाद होगी। बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका नाम अनाउंस किया है। ये तो असली उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, वो ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो कांग्रेस से भागा हुआ आदमी है।
भोपाल में 16 जून को बीजेपी दफ्तर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों को सम्मानित करने के लिए। एमपी से 6 मंत्री बनाए गए हैं। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो जो टीम मोदी का हिस्सा बने हैं, केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, उन 6 मंत्रियों का सम्मान करने के लिए यहाँ एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, इसमें कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो 16 जून को बीजेपी दफ्तर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटेक, दुर्गादास उइके, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज चौहान, 6 केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, सावित्री ठाकुर और एल मुरुगन, उनका भी सम्मान किया जाएगा। इधर सांसद बनने के बाद पहली बार आशीष दुबे दिल्ली से जबलपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नव निर्वाचित सांसद के स्वागत में एयरपोर्ट से गाड़ियों का काफिला निकला। काफिले में रोड पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कारों के काफिले की वजह से हाईवे जाम हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर से ही आपको ये गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही होंगी। ये पूरा काफिला यहां पर सांसद के स्वागत के लिए आया हुआ था। सांसद आशीष दुबे का जोरदार स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता कई गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे हुए थे। खबर श्योपुर से, जहां चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में गड़बड़ी के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। 35 गांव के किसानों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भोपाल में नगर निगम के प्रोजेक्ट में अधूरे मकानों को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग ढोल नगाड़े लेकर निगम के ऑफिस पहुंचे और विरोध जताया। कमिश्नर के रूम के बाहर ही बैठकर लोग नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर उन्हें जल्द ही मकान नहीं मिला तो तालाबंदी भी कर दी जाएगी। तीस तीस लाख रुपए बैंक से कर्जा लेकर के इनके मकान पर इन्होंने 21 में पैसे मकान देने के लिए बोला था और आज तक इन्होंने मकान बने नहीं है और इन्होंने हमारे पैसे डकार लिए और खा गए। हमें आज तक उसका पोजीशन भी नहीं मिला, ना हमें उसका अधिकार मिला। हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार पेपरबाजी कर चुके हैं, मगर हमें ये बोल दिया जाता है 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो आज हम इसलिए बैठे हैं कि आज हमें पोजीशन दिया जाए। देश का सबसे साफ शहर इंदौर अब एक और खिताब अपने नाम करने जा रहा है, जहां 3 घंटे में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक इसके लिए तैयारी जोरों पर है। पौधे के लिए गड्ढे खोदे जाने का काम जारी है। रोजाना 50 से 60 हजार गड्ढे खोदे जा रहे हैं। वहीं पौधारोपण से कई लोगों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। पेड़ दे देंगे, ये बांस का पेड़ 6 साल बाद लगभग 40-50 हजार की आय देगा उसको, 6 साल बाद। और अभी के हिसाब से 40-50 हजार, पर 6 साल बाद महंगाई क्या होगी, तो हो सकता है 1 लाख दे दें। ऐसे कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ आम जामुन के, तो उद्यानिकी विभाग से हमने कहा है कि आप भी, और ये 90% निःशुल्क दे रहे हैं किसानों, और 6 साल बाद हर पेड़ कम से कम 50 हजार रुपया देगा। इंदौर में 85 लाख के साइबर फ्रॉड की जांच कर रही पुलिस ने नया खुलासा किया है। साइबर पुलिस के मुताबिक 15 फर्जी अकाउंट में महज 5 महीने में 138 करोड़ जमा किए गए थे। डिलीवरी बॉय राकेश कुमार त्रिपाठी के खाते में 12 करोड़ की रकम जमा की गई थी। इंडसइंड बैंक के सियागंज ब्रांच के मैनेजर मोहम्मद जाबाज ने पूछताछ में अब तक 35 फर्जी अकाउंट खोलने की बात स्वीकार की है। राकेश का भी अकाउंट मोहम्मद जाबाज ने ही खोला था और इस अकाउंट के एवज में राकेश को हर महीने 1 लाख की रकम दी जा रही थी। इंडसइंड बैंक के मैनेजर मोहम्मद जाबाज के सीनियर को कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
इसने गढ़वाल एंटरप्राइजेस नाम से एक फर्जी अकाउंट खोला था। इस अकाउंट में 3 महीने में 7 करोड़ की रकम ट्रांसफर हुई थी। जांच में ये बात सामने आई है कि साइबर फ्रॉड की रकम को रखने के लिए अलग अलग राज्यों में फर्जी अकाउंट खोले गए थे और सोशल मीडिया और टेलीग्राम के माध्यम से दुबई, कनाडा, अमेरिका में बैठे ठग लाखों रुपए में इन करंट अकाउंट को खरीदा जाता था। राकेश का अकाउंट आरके एंटरप्राइजेस के नाम से था और इसे दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था। राकेश कुमार त्रिपाठी को जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पाया कि वो एक डिलीवरी बॉय है और वो इस गिरोह के संपर्क में आया जो फर्जी करंट अकाउंट्स खुलवाता है और उन्हीं के संपर्क में आके पैसे के लालच में उसने इस फर्जी करंट अकाउंट को संचालित किया और उसमें राकेश त्रिपाठी से पूछताछ के आधार पर ही इंडसइंड बैंक के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मोहम्मद जावाज की भूमिका आई जिसको गिरफ्तार किया गया। और मोहम्मद जावाज से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई उसमें ये पता चला कि उसने लगभग 35 करंट अकाउंट्स खुलवाए हैं और उनको जो फर्दर उसकी ट्रेल देखी गई तो उसमें से 15 अकाउंट राज्य की विभिन्न राज्यों की एजेंसियों द्वारा फ्रीज कराए गए हैं और इस पर्टिकुलर खाते में भी बड़ी मात्रा में राशि लगभग 12 करोड़ की राशि जो है इस वर्ष अभी तक आई है। उज्जैन में पुलिस ने सट्टेबाजी के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। इस दौरान सटोरियों के घर से इतने रुपए मिले कि नोटों का पहाड़ लग गया। इतने रुपए मिले कि गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। कैसे चल रहा था सट्टेबाजी का ये पूरा खेल बताते हैं आपको। नोटों का ये पहाड़ जिसने भी देखा दंग रह गया। सट्टेबाजी की काली कमाई है ये। नोटों की इतनी गड्डियां कि पुलिस को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। 15 करोड़ रुपए है ये। उज्जैन पुलिस ने सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने कृष्णा विहार के पास 19 ड्रीम कॉलोनी और मुसद्दीपुरा इलाके में बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर छापे की कार्रवाई कर करोड़ों कैश के साथ ही चांदी की सिल्लियां, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो, पोलिश मुद्रा, नेपाली रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। करेंसी का भी असेसमेंट कराया जा रहा है। इसमें यूरो भी है, डॉलर्स भी है, पाउंड भी है, हंगरी की करेंसी भी है, अलग अलग 7 देशों की करेंसी है जिसका भी असेसमेंट जो वैल्यूअर है उससे कराया गया। अभी जो 9 लोग हमने पकड़े हैं ये पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर अभी आए थे और इसके संपर्क में अलग अलग जगह पे आए थे। इसने यूके में जाके ये इस तरह से बेटिंग करना लंदन एक्सचेंज पे सीखा था और ये लोग पंजाब और निबाहेड़ा और नीमच के रहने वाले हैं। ये इसके संपर्क में आए थे और यहाँ पर इसके घर में आके निवास करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि ड्रीम्स कॉलोनी के एक मकान में बिल्डर पीयूष चोपड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सट्टा खिला रहा है। उसके साथ पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घर पर दबिश दी। यहां T20 वर्ल्ड कप में खेले जा रहे बांग्लादेश नीदरलैंड मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 41 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिम समेत कई उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों में से 1 राजस्थान, 4 पंजाब और 4 नीमच के रहने वाले हैं। हालांकि मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड ली जाएगी। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीयूष चोपड़ा घर से ही सट्टा संचालित करता था। इसमें मुनाफा होने पर उसने अपनी टीम भी बना ली थी। बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है। उसके लिए जो है आईटी और एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रेवल बहुत रहा है, इसके लिए हम बहुत जल्दी 1 से 2 घंटे के अंदर एक NOC भी हम जारी कर रहे हैं ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाए। बताया जा रहा है कि एक बार में 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का धंधा होता था। धंधा कितना करना है ये सब पीयूष ही बताता था। एक मैच में करोड़ों रुपए की हार जीत की बाजी लगाई जाती थी। पुलिस ने पीयूष के घर से पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि पीयूष परिवार के साथ लातविया देश भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। अजय पटवा, News 18, उज्जैन। उधर इस मामले पर सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस नेता ने सटोरिये का संबंध बीजेपी के कई नेताओं से होने की बात कही है, साथ ही नाम सामने लाने की मांग की है। तो उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। खबरा है ये बिल्डर भी है, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और ये भी जानकारी मिली है कि इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध है।
वो जानकारी पब्लिक को जानना पब्लिक का राइट है, ये भी जानकारी दी जाए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस बिल्डर्स के पार्टनर हैं और जिनके गहरे संबंध इस सटवरिये से हैं, जिसके कारण इतने वर्षों तक खुलेआम ये सट्टा खिलाया जाता रहा। कांग्रेस के ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने कि कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। पहले तो मुझे कांग्रेस के नेता जवाब दें कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, मात्र 15 महीने की सरकार 2018 में, तो किन किन के घर उनके ओएसडी के घर छापे पड़े थे, कितने करोड़ों का कैश उन ओएसडी के घर मिला था, पहले ये उस पर जवाब दें। विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था कांग्रेस ने मात्र 15 महीने में, पहले ये उस पर जवाब दें। ये जिस राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से निकली है, वहां पे किन किन के घर छापे पड़े हैं, कितने करोड़ों रुपए की बरामदी हुई है, उस पर जवाब दें। रही बात आज भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात जबलपुर की, जहां माढ़ोताल थाना क्षेत्र के संस्कार सिटी में पुलिस ने छापेमारी कर 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से 19 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 1 टीवी समेत कैश भी मिला है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए सटोरिये यूपी और बिहार के हैं, जो जबलपुर में रहकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का रैकेट चला रहे थे। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूनिवर्सिटी से छात्रों की कॉपियां एक बार फिर गायब हो गई हैं। ये कॉपियां जांच के लिए भेजे जाने के दौरान रास्ते में चोरी हो गई। बताया जाता है कि कॉपियों को डाक के जरिए भेजा गया था। अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन डाक विभाग से जानकारी मांग रहा है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के मुताबिक बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी माह में आयोजित की गई थी। इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाना था। अलग अलग सब्जेक्ट्स की कॉपियां अलग अलग मूल्यांकर्ता के पास भेजनी थी। इसी क्रम में बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की 50 और बीएससी ऑनर्स की 18 के 2 बंडल स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए थे। भिन्न सीहोर के बुधनी में